Hey guys, welcome back to my channel, Bursi. So in this video, I'm going to be sharing with you all my top picks under 300 rupees. जी हाँ, ये जो मैंने बहुत ही प्यारा सिंपल एंड एवरीडे काइंड ऑफ मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये मैंने क्रिएट किया है 300 रुपीस की जो मेकअप प्रोडक्ट है उनको यूज़ करके। बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करके मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। बहुत ही प्यारा सिंपल एंड बहुत ही पिंकी पिंकी मेकअप लुक है। आई होप आपको अच्छा लगा एंड आप भी मेकअप लुक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे हैशटैग नुपुरसेज के साथ। एंड या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, स्किन केयर मैंने कंप्लीट कर लिया है एंड अब मैं क्या लगाने वाली हूँ, अब मैं लगाने वाली हूँ प्राइमर। प्राइमर के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास अगर ब्लू हेवन है तो वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ब्लू हेवन प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल पतंजलि का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है दोनों प्राइमर एंड इसको आप अच्छे से पूरे फेस पे लगा के अच्छे से आप इसको पूरे फेस पे स्प्रेड कर लीजिए। नेक्स्ट मैं अभी यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी कंसीलर एंड आई मीन शेड 02। जहाँ जहाँ मेरे डार्क सर्कल्स हैं, ब्लेमिशेज हैं, एक्ने स्पॉट्स हैं, वहाँ वहाँ मैं इसको लगा लूँगी। एंड स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर बहुत ही अमेजिंग है, आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं स्क्रीन पे तो मेंशन कर ही रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी तो आप देख सकते हैं। सो यहाँ मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी। सो मेकअप प्रोडक्ट्स का ब्लेंड होना अच्छे से बहुत ज़रूरी, नहीं तो केक ही लगता है थोड़ा मेकअप एंड नेचुरल फिनिश नहीं आती है। नेक्स्ट मैं अभी स्विस ब्यूटी का लिक्विड पॉल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस, तो ये बहुत ही प्यारा सा आपको ग्लो दे देगा। साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ ओलिविया पैनकेक एंड ये जो पैनकेक है ये मेरा ही शेड है तो बहुत ही नेचुरल लगता है मेरे फेस पे। एंड इन दोनों को मैं मिक्स करके ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, स्प्रेड कर लूँगी अपने पूरे फेस पे। आपको एप्लीकेशन जो आप करते हैं, स्प्रेड करते हैं फाउंडेशन या कंसीलर, उसमें आपको पूरा टाइम देना होता है। एंड देन मैं ब्रश की हेल्प से भी इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अपने फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक्मे रोज पाउडर। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन डायमंड ब्लश ऑन एंड इट्स इन द शेड 504। बहुत ही नेचुरल शेड है ये। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का आईब्राउ पेंसिल, तो ये जो मैंने ब्लश लगाया था इसी को मैं एज एन आई शेडो लगा लूँगी। एंड बहुत ही नेचुरल शेड है, ऐसा लगता है आपके नेचुरली पिंकी पिंकी चीक्स है, नेचुरली अंदर से आप ग्लो कर रहे हैं। देन मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी आई लाइनर। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये आई लाइनर ज़रूर ट्राई करना चाहिए, इसका एप्लीकेटर बहुत ही अमेजिंग है। नेक्स्ट मिस क्लेयर का जो आई ब्राउ पेंसिल है उसी से मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे इसको लगा लूँगी। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी इंस्टाग्लो हाइलाइटिंग स्टिक, तो ये जो मेरे हाई पॉइंट्स हैं वहाँ मैं इसको लगा लूँगी। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लाइट या थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगा सकते हैं आप, देखिए कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। एंड इसी के पीछे आपको स्पॉन्ज मिल जाता है तो उससे आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने फिंगर की हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, नहीं तो कोई आई शेडो ब्रश या कोई भी ब्रश जो आपको अच्छा लगे उससे आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। इसमें आप यूज़ करें नाइका मैट टू लास्ट मिनी लिक्विड लिपस्टिक एंड इट्स मिनी शेड मिस्टी 10। सो मैं इसको अच्छे से अपने लिप्स पे लगा लूँगी एंड बहुत ही अमेजिंग शेड है जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड या दिस इज द फाइनल लुक, है ना कितना इजी, कुछ ही प्रोडक्ट्स के साथ एंड कुछ ही मिनट में, आई थिंक अंडर 5 मिनट्स में मैंने मेकअप लुक कंप्लीट किया है। एंड या आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक माई डे। एंड आप भी
अपने अंडर 300 रुपीस के मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ ये वीडियो बना सकते हैं। एंड प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ जल्द ही। बाय।